हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। आखिरकार ये क्या होते हैं, अगर ये टॉपिक हम समझ लेते हैं अच्छे से तो फिर जो आने वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा चीज अपने को समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या होता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे बच्चों, अगर हम लोग जब सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिकली क्या बनाते हैं, जैसे हमारा सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन बेसिकली हमारा क्या होता है, ए प्लस बी। अब मैंने ए प्लस बी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर में अपन सॉल्वेंट को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट को ए मानेंगे, सॉल्वेंट को ए मानेंगे और सॉल्यूट को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, यही मान के चलेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में क्या मतलब होता है बच्चों, तो देखो अगर हमारे पास कभी लिखा जाए वोलाटाइल सब्सटेंस, तो वोलाटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कभी वेपर प्रेशर नहीं बनाते हैं, वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ऐसे सब्सटेंस को वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। सॉरी, वोलाटाइल सब्सटेंस जो होते हैं ये वेपर प्रेशर बनाते हैं, ये वेपर प्रेशर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही कम होगा और ये लिक्विड फॉर्म में पाएंगे तभी हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, वेपर प्रेशर किसका बनेगा, लिक्विड का बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O है, CH3OH है, C2H5OH है, बेंजीन हो जाएगा, टॉलवीन हो जाएगा, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। और खास बात ये है कि ये सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे कैसे ट्रीट होंगे, सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट होंगे, ध्यान से समझ लेना, ये सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट होंगे, तो ये हमारे ए के जैसे ट्रीट होंगे। वाटर लिक्विड में पाया जाता है, मीथेनॉल लिक्विड में, इथेनॉल लिक्विड में, बेंजीन लिक्विड में, टॉलवीन लिक्विड में, तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ सॉल्वेंट के तौर पे ट्रीट होंगे और ये वोलाटाइल सब्सटेंस कहलाएंगे। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखे रहेंगे ये इनको किसी कंटेनर में, तो ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं रहेंगे। अगर उसी कंटेनर को पूरी तरीके से ऊपर से क्लोज कर देंगे तो ये वेपर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं, तो ये ध्यान देना जरूरी है। इसी तरीके से हमारा होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ध्यान देना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है तो ये क्या करेंगे, कभी भी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब ये लिक्विड में तो नहीं पाए जाने वाले। अब जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे हमारा यूरिया हो जाए, ग्लूकोस हो जाए, सुक्रोस हो जाए, ये सब देखो, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है और इन्हीं को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, इन्हीं को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। इनको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यूरिया में NH2 CONH2 यही होता है, ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो अगर हम इनके मोलर मास की बात करें तो मोलर मास यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का कितना होता है, 342 होता है। तो देखो ये कहेंगे इनका मोलर मास ज्यादा है। अच्छा, मोलर मास ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल हैवी है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और सबसे खास बात है कि ये हमारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो सॉलिड कभी भी एज ए सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट नहीं होगा, तो यहां पर ये एज ए सॉल्वेंट ट्रीट नहीं होंगे, ये एज ए सॉल्यूट के जैसा ट्रीट होंगे। तो ये हमारे वोलाटाइल सब्सटेंस और ये नॉन वोलाटाइल। जो वोलाटाइल सब्सटेंस होंगे ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और जो नॉन वोलाटाइल होंगे ये वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग आगे ये समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है, पूरा कहानी इसी पे चलेगा, पूरा का पूरा कहानी इसी पर चलने वाला है, वोलाटाइल सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अगर ये अपने को पता रहेगा तो वहां पे हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने में आसानी रहेगा, कोई भी तकलीफ या समस्या नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ चुका होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका डेफिनेशन हो चुका था। तो हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।